अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि अमेरिका में कौन सी ब्रीड को सबसे पॉपुलर माना जाता है, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच बुलडॉग की, जो सेकंड नंबर के ऊपर आती है। अमेरिका के लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इजीली किसी भी अपार्टमेंट के अंदर आप इसे रख सकते हैं। इसका नाम है फ्रेंच बुलडॉग। ये काफ़ी छोटा सा क्यूट सा टॉय जैसा एक ब्रीड है जिसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और ये बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके 5 फैक्ट जो आपको कभी नहीं पता। तो चलिए पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जो फ्रेंच बुलडॉग है इसे स्विम करना नहीं आता, तो इसे कभी भी स्विमिंग मत करवाएं, अदरवाइज ये मर सकते हैं। इनकी जो डेथ रेट है पानी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंच बुलडॉग पानी में स्विम करते हुए मर चुके हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपके पास घर पे कहीं पे पूल है या कहीं पे पानी है तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और ये क्यों नहीं तैर सकते उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है, इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी कम्पैक्ट होता है और इसकी शॉर्ट लेग्स, कहने का मतलब लेग्स काफ़ी छोटी होती हैं, और साथ ही साथ पंच नोज़ होता है जिसे इसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते और ये डूब सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखा चले। अब चलते हैं हम फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि ये कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते। बिग प्रॉब्लम विद फ्रेंच बुलडॉग। फ्लाई का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये उड़ नहीं सकते, कहने का मतलब ड्यूरिंग टू ट्रैवल अगर आप इससे प्लेन के जरिए कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो ये काफ़ी सारी फ्लाइट्स के अंदर बैन है। काफ़ी सारी एयरलाइन फ्रेंच बुलडॉग को बैन कर चुकी हैं क्योंकि इन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फ्रेंच बुलडॉग कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर फैक्ट के ऊपर। तीसरा नंबर फैक्ट है, जो फ्रेंच बुलडॉग हैं ये सबसे ज्यादा पादपे हैं। क्या हम दोबारा सुने? मेरे को तो सुनने में ये काफी अच्छा लगा। काफी पादपे हैं मतलब काफी स्मेल आती है जब ये फाट 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 मारते रहते हैं। इनका ये प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इनकी प्रॉब्लम इसीलिए है, जब ये खाते हैं तब इनके पेट में काफ़ी सारी हवा भर जाती है और ये गैस को रिलीज़ करते हैं। ये इनकी डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इनका जो स्टमक होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पे कुछ भी जाए तो वहाँ पे इन्हें गैस रिलीज़ करनी ही पड़ती है। अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो आपको रूम फ्रेशनर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी ट्रीटमेंट के साथ इनकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी फनी था। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको ये वाला फैक्ट काफ़ी फनी लगा हो। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 ये है कि ये नेचुरली ब्रीड नहीं कर सकते। जो इनकी मदर है जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये इजीली बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाती। इसकी भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, प्लस ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने के कारण मदर आपकी जो है वो डेंजर जोन में चली जाती है। इसीलिए सी सेक्शन इज द बेस्ट वे फॉर दिस ब्रीड। अगर आप इसका रिस्क कोई नहीं उठाना चाहते जब ये डिलीवरी के टाइम पे होती है ब्रीड, तब सी सेक्शन ही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगेगा बट ये सच है। आप ये भी बताना कि ये आपके साथ कभी हुआ है या नहीं जिन लोगों के पास फ्रेंच बुलडॉग है। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। सबसे मोस्ट पॉपुलर फैक्ट यही है, इसलिए मैंने इसे वीडियो के लास्ट में रखा है कि सेलिब्रिटीज सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं वो इसी ब्रीड को करते हैं, वो है फ्रेंच बुलडॉग। अगर मैं कुछ चुनिंदे नाम बताऊं जो वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि जैक मा, लेडी गागा, डिवाइन जॉनसन जिसे हम रॉक बोलते हैं, लियो डी कैप्रियो, डेविड बैकम एंड मैनी मोर, बहुत से सेलिब्रिटीज इन्हें पसंद करते हैं। मैं फोटोग्राफ्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। और अनुष्का शर्मा की एडवर्टीजमेंट के अंदर, विराट कोहली की एड के अंदर, बहुत से बॉलीवुड स्टार के साथ आपने इस फ्रेंच बुलडॉग को देखा होगा, इसीलिए ये काफ़ी फेमस और पसंदीदार ब्रीड है। अगर आप इसे घर पर रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। कैसे लगे आज के आपको फैक्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पे अपलोड करवाना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।